mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao. सनराइज यार कितना ही प्यारा लग रहा है। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम है कोश और आप सब देख रहे हैं द बॉर्डर जेमिनी। यार सुबह सुबह ना थोड़ी थोड़ी ठंड तो हो गई है और चश्मे पे जम रहा है फॉग। ठंड है थोड़ी थोड़ी। अभी आधे पौने घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और ये देखो मेरे को यहाँ पर क्या दिखा। कितना ही प्यारा लग रहा है यार, कितना ही प्यारा लग रहा है। वहाँ पर आपको देख के कुछ तो आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर भी हमें आना है और यहाँ पर क्या है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ अब देख लो। तो यार वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है। रात से मैंने वीडियो अपलोड लगाई हुई है और अभी जाके कुछ हुई है अराउंड अराउंड यार अभी जाके हुई है अराउंड अराउंड 40%। और मेरे को 11 बजे वीडियो लाइव करनी है। अगर आज अपलोड नहीं हो पाई तो जो पाइपलाइन में वीडियोस हैं वो अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ज़रूरी है ना। और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है, बस हमें इसके नेक्स्ट वाले स्टेशन पर ही उतरना है और फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ। एक डैम टाइप है यहाँ पर और ये एक छोटी सी रिवर। तो गाइस फाइनली हम उतर गए हैं एंड वेलकम टू इंदौर, और इसे इंडिया की नंबर वन क्लीनेस्ट सिटी भी बोलते हैं। तो चलिए हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। वेलकम टू इंदौर हबीबी। यार एक ट्रेन का इंजन मेरे को यहाँ भी दिख रहा है और ये पुराने टाइप का है। अब अपनी टैक्सी आ गई है, अब चलते हैं। थोड़ी थोड़ी रजौरी टाइप मार्केट नहीं लग रही मुझे तो, नजरगढ़ जैसी लग रही। इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है क्या? नहीं है। साइड से एक जगह जो है कभी खुला होगा तो देख लीजिएगा। ये है इंदौर का राजवाड़ा। इधर ये पार्क है भैया। पार्क नहीं है, माता जी की मूर्ति है, अहिल्या माता की। ये अपना अब मातरण मंदिर जूना राजवाड़ा। अब चलते हैं अंदर। वाओ नाइस, जय हो शिव जी। ये राजवाड़ा ऐसा दिखता है बाहर से, पता नहीं। चल श्रीमंत महारानी संगीता देवी होलकर। चल जय मनार नंदी माता की। नाये नहीं है, द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग है, मल्लार मार्तंड है, शिव अवतार। अच्छा, यहाँ पर 12 जो माता है। हाँ, अहिल्या माता की मूर्ति है इधर। किधर? ये खिड़की वैसे देखो ना। अच्छा, ये अच्छा बाहर गार्डन में सफेद
इधर 12 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा अच्छा ये वो लोटस की प्लांटेशन है इधर। और यार मतलब ना एक्चुअली दिवाली की वजह से ना इनकी जो होलकर गैलरी है वो बंद है, कुछ आई थिंक म्यूजियम टाइप होगा वो फर्स्ट फ्लोर पे है और उसका गेट यहाँ से है और 2-3 दिन अभी बंद है, उसके बाद वो चालू होगा। कोई नहीं, कभी और देखेंगे, इंदौर आएंगे तो तब चेकआउट कर लेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, बस ये इतना ही था और नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये ना पूरी हवेली टाइप है, पर यार अभी नहीं जा सकते ऊपर क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दिवाली टाइम है, हॉलीडे चल रही है इधर भी सूरत की तरह। वैसे यार नाइस प्लेस, मस्ट विजिट। यहाँ के प्रॉपर गेट भी पुराने स्टाइल में। ये गलियाँ तो अपनी वही नज़र पर सोम बाजार जैसी हैं बदली बदली। एक और लोकेशन पे है, ये भी कुछ महल टाइप ही लग रहा है, पर भैया तो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मंदिर टाइप कुछ है। यार मतलब क्या ही चीज़ है ये, क्या ही चीज़ है। फ़ोटो मैंने थंबनेल के लिए ले ली है। एंड ये महल आई थिंक सो इसमें जाना अलाउड नहीं है, और वो है अपना मंदिर वहाँ पर। यार आर्किटेक्चर तो है यहाँ पे देखने लायक, वहाँ पर भी एक बिल्डिंग दिख रही है, नाइस। यार सिटी तो सच में ही क्लीन है, सिटी क्लीन कह सकते हैं, सिटी क्लीन है। यहाँ भी बस वाला सिस्टम अलग है सूरत की जैसे, अलग ही लाइन में चलती है। डीजल डलवाने रुके हैं और पेट्रोल रेट यार यहाँ 107। गाइज इंदौर से निकले हुए हमें हो गए हैं 20 से 25 किलोमीटर, और ना इंदौर का हमारा कोई ऐसा सच प्लान नहीं था। इंदौर के लिए ना हमें एक दिन रखना चाहिए था, तो अभी क्योंकि ना एक या दो जगह ही खुली थी और बाकी सब बंद था, हमने आइटिनरी में इंदौर के लिए एक भी दिन नहीं रखा, रखना चाहिए था। इंदौर बहुत अच्छी जगह है, मेरे को यार कसम से ना सिटी बहुत पसंद आई इंदौर। और वाली क्लिप्स में मैं रॉ रखने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला। अभी हम निकले हैं आगे, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए रुके थे और आई थिंक वीडियो ख़त्म कर देना चाहिए इसी के साथ। इस वीडियो को प्रपोज करते हैं, इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड फॉर मच नीड सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन बाय, स्टे होम स्टे सेफ, चीयर्स।